अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और यह है Realme 2 Pro। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह फ़ोन लॉन्च होते हुए बहुत ज़्यादा हाइप उड़ा दिया और बहुत सारे रिव्यूअर्स ने कहा कि बेस्ट फ़ोन है, 15,000 के अंदर आपको इसे लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, साफ साफ शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि आज मेरा सभी रिव्यूअर्स पर से भरोसा उठ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह फ़ोन जब मेरे हाथ में आया और जब मैंने इसका टेस्टिंग करना शुरू किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड थे और ये जो Realme 2 Pro है उतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये पेपर पे देखने में लगता है। तो देर किस बात की, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर यह फ़ोन कैसा है। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ को मिस कर जाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो Realme 2 Pro है, मैंने बहुत ही कोशिश करके इसे अपने फ्रेंड के द्वारा इसे मंगाया है ताकि मैं इसका रिव्यू कर सकूँ। और ये मेरे पास ज़्यादा दिनों के लिए नहीं था, बस एक दिन के लिए था, तो उसी एक दिन में मुझे टेस्टिंग करना था। तो ये मेरा जो पूरा का पूरा रिव्यू है, जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, बस एक दिन के ऊपर है। मैंने एक दिन में बहुत अच्छे से इसे टेस्टिंग करने की कोशिश की और फिर अपना कंक्लूजन दे रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक हफ्ते तक, 10 दिनों तक टेस्टिंग किया होगा, तो उनकी बातें ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है। लेकिन आज मैं अपने एक दिन के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, इसके बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है, तो बस वही सब चीज़ें मिल जाती है आपको। यूज़र मैनुअल मिल जाता है, इंस्ट्रक्शन गाइड मिल जाता है, आपको जो है बैक केस मिल जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी का बैक केस है। उसके बाद आपको जो है फ़ोन मिल जाता है, चार्जर मिल जाता है, केबल मिल जाता है। तो ज़्यादा कुछ बातें करने के लिए नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा कि जितने भी एक्सेसरीज दिए गए हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि चार्जर की, केबल की या फिर कवर की, तो तीनों की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़ोन के बारे में। फ़ोन का जो क्वालिटी है, जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन पसंद आया। डिज़ाइन के मामले में कोई भी कमी नहीं है। जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो तो एकदम परफेक्ट लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और उससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। जो आजकल के बड़े बड़े नॉच आ रहे हैं उनसे बहुत ही ज़बरदस्त है ये वाटर ड्रॉप नॉच। और उसी में जो कैमरा है दोस्तों, उसके ऊपर में हमें ईयरपीस दिया गया है। ज़्यादा मैं यहाँ पर हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं आप लोगों से रिव्यू के बारे में बात करूँगा। तो जो स्क्रीन की क्वालिटी है दोस्तों, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन है, तो बहुत ही शार्प डिस्प्ले दिया गया है। बैक का जो प्लास्टिक है दोस्तों, वो ग्लास की तरह लगता है, लेकिन वो फिर भी प्लास्टिक ही है, तो फील आपको उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। और रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि आपको फिंगरप्रिंट मैग्नेट जो है मिल जाता है, यानी कि पूरा का पूरा जो बैक है दोस्तों, उसमें आपका फिंगरप्रिंट का पूरा छाप आ जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा अगली देखने में लग सकता है, इसलिए आपको बार बार जो है साफ करना पड़ सकता है। लेकिन डिज़ाइन ओवरऑल बहुत ही अच्छा है और लुक जो है वो तो किलर है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आता है कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर है और उसके बाद इसमें जो है 4GB का रैम मिल जाता है, 6GB का रैम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएंट है दोस्तों, ये जो मेरे पास वेरिएंट है, ये है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। और इसे मैंने टेस्टिंग किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं लोग जो है कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं इस फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, मैं बहुत सारे एप्लीकेशन को आसानी से खोल पा रहा था, लेकिन कभी कभी दोस्तों मैं परफॉर्मेंस में भी लैग देख रहा था। जी हाँ, यह कोई स्टॉक एंड्रॉयड पे नहीं आता है, यह कोई एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम पे नहीं आता है, इसका अपना ही OS है जो कि एक कलर OS, जो कि ओप्पो की तरफ से आता है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो कलर OS के कारण हमारा जो UI है वो बहुत ही स्लो हो जा रहा है कभी कभी। यानी कि अगर आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हो तो बहुत ही फास्ट खुलता है, लेकिन बीच बीच में कोई कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि थोड़ा सा स्लो ओपन होता है और फिर से बीच में जो है फास्ट हो जाता है। तो बीच में फ्लिकर टाइप का होता है दोस्तों, स्टटरिंग टाइप का होता है, जिसके बारे में आज तक किसी ने भी बातें नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, गेमिंग के मामले में मैं जब गेम खेल रहा था पबजी, तो वहां भी मुझे स्टटरिंग लैग देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि जो पबजी है वो सिर्फ HD में चल रहा था, वो दोस्तों HDR में नहीं चल रहा था, या फिर अल्ट्रा HD तो वो तो अवेलेबल नहीं है बहुत सारे फोन के लिए, लेकिन HDR में भी नहीं चल रहा था स्नैपड्रैगन 660 होते हुए। चलिए HDR की बात हटाते हैं, अगर मैंने HD में भी खेला दोस्तों और पूरा हाई क्वालिटी पे कर दिया और एंटी एनालाइजिंग को ऑन कर दिया, तो उसके बाद भी आप देखेंगे मेरा जो पबजी है वो कभी कभी जो है थोड़ा थोड़ा सा स्टटरिंग कर रहा था। वो कंटिन्यूअस लैग हम लोग नहीं कह सकते, वो कंटिन्यूअस लैग नहीं हो रहा था, वो दोस्तों कभी कभी जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ नॉर्मली चल रहा है, बीच में कभी कभी अटक करके फिर ऐसे ऐसे जो है चल रहा है। तो उसमें मेरा कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों, वो जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ही इसका OS का प्रॉब्लम था, या फिर हो सकता है इसका गेम बूस्टर जो दिया गया OS में उसका प्रॉब्लम था, या फिर हो सकता है दोस्तों इसके हार्डवेयर का प्रॉब्लम था जिसे अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे गेम में भी कभी कभी लैग देखने को मिल रहा था। तो ये मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं किया कि पबजी कैसे लैग कर रहा है कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो है, और कैसे स्टटरिंग कर रहा है UI, तो इसके बारे में आज तक किसी ने भी बात नहीं किया। स्नैपड्रैगन 660 होते हुए भी
मुझे ऐसा फील हुआ कि इसकी जो OS है उसके कारण हमारा जो डिवाइस है वो Redmi Note 5 Pro से भी स्लो है, मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद दोस्तों अब देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई हेटर हूँ, मैं Realme 2 Pro के हेट करता हूँ। आज तक दोस्तों मेरे पास फ़ोन नहीं आया था तो मैं इसकी तारीफ पे तारीफ किया हुआ था। आप लोग जानते हैं मैं इस फ़ोन के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी बोल चुका हूँ क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन नहीं आया था। लेकिन जब रियल वर्ल्ड यूजेज में आता है, जब आपके हाथों में फ़ोन आता है, तब पता चलता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। ऑन द पेपर देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई स्नैपड्रैगन 660 दे दिया है, हाँ भाई 4 GB का रैम दे दिया है, 6 GB का रैम दे दिया है, 64 128 GB का स्टोरेज दे दिया है। लेकिन भाई जब आप लोग रियली में इसको इस्तेमाल करते हैं तब समझ में आता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ है दोस्तों, मुझे इसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। मैं ये कहता हूँ स्नैपड्रैगन 660 होते हुए भी मुझे ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लो लगी, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये बहुत ही फास्ट फ़ोन है, बहुत ही फास्ट प्रोसेसर वाला फ़ोन है। और मैं ये डाउट, मुझे ये कोई डाउट नहीं है दोस्तों, मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा इसे MI A2 के साथ कंपेयर करके देख ले, जो कि MI A2 भी स्नैपड्रैगन 660 पे, तो मैं कहूँगा आप उससे कंपेयर करके देख लो, मुझे ऐसा फील होता है कि MI A2 इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है। या फिर MI A2 छोड़ो भाई, कोई और फ़ोन जो कि एंड्रॉयड 1 पे हो, जो कि दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड पे हो और उसमें स्नैपड्रैगन 636 हो, तो उससे कंपेयर करके देख लो, मुझे ऐसा फील होगा कि इससे ज़्यादा फास्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा स्टटरिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा UI में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कैमरा के बारे में। कैमरा के ऊपर भी काफ़ी हाइप हो रहा था कि बैक में जो है ड्यूल कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में सिंगल कैमरा मिल जाता है और कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सभी कह रहे थे। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हाइप उड़ाया गया है। जो इसका कैमरा है दोस्तों, मैं मानता हूँ कि एवरेज कैमरा है, बहुत ही अच्छा नहीं है, अबव एवरेज कैमरा नहीं है, एवरेज कैमरा कह सकते हैं। डे लाइट में बहुत ही अच्छा आता है, डे लाइट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डे लाइट में शूटिंग कर सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, 4K सपोर्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आता है जब आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हो या फिर तो आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हो। सबसे पहले दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट का तो एज डिटेक्शन अच्छा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि कभी कभी मेरे बालों को ऐसे ब्लर कर दे रहा है, कभी मेरे साइड को ब्लर कर दे रहा है। तो इस तरह से जो पोर्ट्रेट है वो कभी कभी, अगर बहुत अच्छी लाइट रहे तो पोर्ट्रेट शॉट अच्छा से एज डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन लो लाइट में तो दोस्तों जो पोर्ट्रेट शॉट है ना वो बिल्कुल ही बेकार एज डिटेक्शन करता है। और उसके बाद चाहे हम लोग फ्रंट कैमरा की बात कर ले, चाहे बैक कैमरा की बात कर ले, उसमें पोर्ट्रेट शॉट मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट चीज दोस्तों, अगर हम बात कर ले ऐसे नॉर्मली फोटो के बारे में, नॉर्मली डे लाइट में बहुत अच्छा है, लेकिन लो लाइट में फिर नॉइजेस के प्रॉब्लम नॉइजेस आते हैं और यहाँ पे उतना ज्यादा शार्प इमेजेस भी नहीं आता है। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं तो मैं इसका कैमरा का कंपैरिजन कर रहा था रेडमी नोट 4 के कैमरा से। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई हेटर नहीं हूं भाई, मैं ऐसा बता दूं, लेकिन फिर भी रेडमी नोट 4 का जो कैमरा है मुझे इसके कंपेरेबल लगा। हाँ, रेडमी नोट 4 से थोड़ा सा अच्छा इसका जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है, लेकिन अगर बात कर ले बैक कैमरा का तो मुझे ऐसा फील हुआ कि रेडमी नोट 4 का ही ज्यादा अच्छा कैमरा है इसके कैमरा से। जबकि रेडमी नोट 4 में सिंगल कैमरा है और इसमें ड्यूल कैमरा है, फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि जो Redmi Note 4 का क्वालिटी आ रहा है वो इससे ज़्यादा बेहतर आ रहा है। अब भाई पता नहीं रिव्यूअर्स लोगों ने कैसे इसका कंपैरिजन किया है, रिव्यूअर्स लोगों ने कैसे इसका रिव्यू किया है। मुझे तो ये फील हुआ मेरे एक दिन के टेस्टिंग में, मे भी हो सकता है 10 दिन तक टेस्टिंग करता तो शायद कोई और रिजल्ट रहता, लेकिन मुझे इसके कैमरा के बारे में ऐसा फील हुआ। फिर बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में, तो वीडियो की क्वालिटी भी नॉर्मल है, एवरेज है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। तो यह एक एवरेज कैमरा वाला फ़ोन है और यह एवरेज परफॉर्मेंस वाला फ़ोन है, ना तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है ना ही ज़्यादा अच्छा जो है इसका कैमरा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में, जिसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों एकदम घटिया रहा है। मतलब मैं कहूँगा कि इसका जो बैटरी है ना वो बिल्कुल बेकार बैटरी है। 3500 mAh का नाम का बैटरी दिया गया है, मैं बिल्कुल सीना ठोक के कहता हूँ दोस्तों मुझे इसका बैटरी बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप देखेंगे मैंने जब ये रिव्यू को शुरू किया था तो उस वक्त मैंने जब इसका शॉट्स लेना शुरू किया, मैं अपने फ़ोन को जैसे ही पाया तो लगभग 5:16 में मैं इसका शॉट्स लेना शुरू किया फ़ोन का, और 5:16 में इसका जो बैटरी परसेंटेज था वो था दोस्तों 64%। लेकिन उसके बाद जब मैं शॉर्ट्स ले रहा था तो लगभग 45 मिनट तक इसका शॉर्ट्स लिया और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया दोस्तों। उसमें बस 15 मिनट मैंने पबजी खेला होगा और उसके बाद दोस्तों बाकी का जो 30 मिनट है वो बस मैं इधर उधर सेटिंग खोल करके गैलरी खोल के शॉर्ट ले रहा था। तो टोटल दोस्तों 6 बजे यानी कि 45 मिनट के अंदर इसकी जो बैटरी है 47% पे आ गई, यानी कि 17% का ड्रॉप हुआ, जिसमें सिर्फ मैंने 15 मिनट जो है पबजी खेला है, बाकी सभी टाइम बस मैंने कभी सेटिंग्स का, कभी डेस्कटॉप का, वॉलपेपर का, वो सब का बस मैंने शॉट्स लिया है, DSLR से फोटो लिया है, वीडियो लिया है, बस उसमें दोस्तों 17% इसका ड्रॉप हुआ है। तो बैटरी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एकदम घटिया बैटरी इसमें दिया गया है। 3500 mAh भी इतना ज़्यादा जो है ड्रॉप नहीं होता जितना ज़्यादा मुझे Realme 2 Pro में ड्रॉप लगा है। आप देखेंगे अभी जो मेरा बैटरी परसेंट है 47% है, लेकिन जब मैंने रिव्यू शुरू किया था तब 64% था। और टाइम भी आप मैच कर सकते हैं 5:16 से 6:05 या 10 मिनट
मिनट के आसपास जो है ऐसा हुआ है। तो इतना ज़्यादा ड्रॉप अगर बैटरी में होता है तो काहे का भाई फ़ोन, मतलब काहे का Realme 2 Pro भाई। चलो ठीक है, सस्ते में मिलता है और इतना में इतना ही मिलता है, मान लेते हैं। लेकिन भाई फिर क्यों कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे फ़ोन में क्वालिटी देते हैं और ये वो, मतलब क्या है? मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये फ़ोन कोई ज़बरदस्त फ़ोन है। बस एक प्रोसेसर अच्छा दे देने से कुछ अच्छा नहीं हो जाता भाई, उसे ऑप्टिमाइज़ भी करना पड़ता है और OS भी ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। लेकिन भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा वरना लोगों को लगेगा कि Realme 2 Pro एकदम बेकार फ़ोन है। ऐसा नहीं है, Realme 2 Pro एक अच्छा फ़ोन है, मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर ये बेकार है, जैसे कि कैमरा हो गया, जैसे कि बैटरी हो गया। ये दो डिपार्टमेंट्स है दोस्तों जहाँ पर मुझे ये बेकार लगा। बाकी परफॉर्मेंस जो है एवरेज हो सकता है, आप मान सकते हैं। या फिर अगर OS को जो है थोड़ा अच्छा कर दिया जाए, अगर OS को अपडेट दे करके थोड़ा अच्छा बना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़, कुछ लोगों का शिकायत आ रहा है कि इसमें अपडेट बहुत ही कम आ रही है। अब इसके बारे में मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि एक दिन में मैं अपडेट के बारे में तो बात नहीं कर सकता। लेकिन जो भी है दोस्तों, ये मैंने अपना ओपिनियन जो आपके सामने रख दिया इस फ़ोन के बारे में, और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये फ़ोन नॉट वर्थ बाइंग। सच बता रहा हूँ भाई, मुझे नहीं लगता कि इस फ़ोन को आपको ख़रीदना चाहिए सिर्फ स्नैपड्रैगन 660 के नाम पे। और लोग जो इसे बेच रहे हैं USP मान करके स्नैपड्रैगन 660 को, जो कि मुझे ऐसा अब बाई करने के बाद दोस्तों, जो कि मेरे फ्रेंड ने बाई किया, तो उसके बाद मैंने इसका जो है उनसे मंगाया, और मैंने इसका जो है जब वीडियो किया, जब मैंने इसे टेस्ट किया एक दिन रख करके, तब मुझे पता चला कि यह जो फ़ोन है नॉट वर्थ दोस्तों। इसलिए मैंने इसका कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं डाला, डायरेक्टली इसका रिव्यू डाला ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी पता चल जाए। और यह जो Realme 2 Pro है, मुझे डिसअपॉइंट कर दिया दोस्तों। अगर वो लोग एंड्रॉयड 1 दे देते या फिर स्टॉक एंड्रॉयड दे देते तो ज़्यादा बेहतरीन होता। लेकिन इसका OS तो मुझे बिल्कुल बेकार लगा, कलर OS बहुत ही बेकार लगा, बहुत ज़्यादा बेकार लगा, बहुत ही ओल्ड फैशन जो है UI है। और बाकी तो आप लोग जानते हैं मैंने रिव्यू में क्या कुछ कहा है। लेकिन दोस्तों डिज़ाइन के मामले में अगर आपको शो करना है डिज़ाइन कितना अच्छा है, कितना अच्छा बैक चमकता है, कितना अच्छा जो है स्क्रीन है, पूरा नॉच कितना छोटा है और खूबसूरत कितना लग रहा है, तो डिज़ाइन के मामले में आप इसे बाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं शाहरुख, और मुझे आप लोग बताना था Realme 2 Pro का फुल रिव्यू। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। और भाई मैं कोई हेटर नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ।